नीरज और सिमरन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को रिलेशनशिप में 5 साल हो चुके थे। नीरज सिमरन से मिलने एक कॉफी हाउस में जाता है। थोड़ी देर में वहाँ सिमरन आ जाती है। सिमरन, आज तो तुम्हें बहुत देर हो गई, कहाँ बिजी थी? अरे वो ऑफिस का एक दोस्त है, उसे कुछ काम था तो बस उसकी हेल्प करने में लेट हो गई। ओह सो स्वीट, ये लो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। इतना कहकर नीरज एक गिफ्ट बॉक्स सिमरन को देता है। सिमरन उसको ओपन करती है। व्हाट, क्या है ये? इसे तुम स्पेशल गिफ्ट कहते हो? अगर मेरे फ्रेंड्स को बताऊंगी ना तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक मामूली सा ज्वेलरी बॉक्स दिया है। लेकिन तुम्हें तो यही चाहिए था, तुमने कुछ दिन पहले ही तो कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। इतनी मामूली चीज मैं खुद ले सकती हूँ? भला कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा गिफ्ट देता है? तुम बहुत पुरानी सोच वाले हो। कोई नहीं, इसे तुम फेंक दो, जब ये तुम्हारे काम का ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा इसका। नीरज को सिमरन की बातों का काफी बुरा लगता है। सिमरन मन ही मन कहती है, फ्री का मिल रहा है, रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। अच्छा ये बातें छोड़ो, कॉफी ऑर्डर करते हैं। दोनों कॉफी पीकर बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ रोहन आ जाता है। हाय सिमरन, तुम यहाँ कैसे? बस कॉफी पीने आई थी, अब घर ही जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके नीरज, ये मेरे घर के पास ही रहता है, मैं रोहन के साथ घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। सिमरन रोहन की बाइक पर वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए, बिना बात के वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो तुम उसको मना क्यों नहीं कर देती? उसको बुरा लगेगा ना, बस इसीलिए। रोहन सिमरन को घर छोड़ देता है। अगले दिन सिमरन रोहन के साथ ही ऑफिस जाती है। ये सब नीरज का दोस्त देख लेता है और जाकर नीरज को बता देता है। अरे नीरज, सिमरन तो किसी और के साथ घूम रही है, उसके ऑफिस का कोई है। अरे वो उसका दोस्त है, उसके घर के पास रहता है तो साथ ऑफिस चले जाते हैं। वो तुझे धोखा दे रही है, मैंने उसको कई बार उस लड़के के साथ ही घूमते हुए देखा है। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। वो सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है, तेरी फीलिंग्स की उसको कोई फिक्र नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैं उसे आज प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए, और देख लियो वो हाँ कर देगी। ठीक है, बस जो मैं कहूँ वो भी बोल दियो, और देख लियो कि वो तुझसे प्यार करती है या तेरे पैसों से। पीयूष नीरज को अपने प्लान के बारे में बताता है ताकि वो सिमरन के मन में क्या है उसे जान सके। शाम का वक्त हो जाता है, नीरज सिमरन को अपने घर बुलाता है, सिमरन भी आ जाती है। क्या हुआ, तुमने ऐसे घर बुलाया? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जरूर, बस शादी के बाद मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, हम आउट ऑफ इंडिया चलेंगे। नहीं मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी जॉब चली गई और फैमिली से भी पैसे नहीं ले सकता, इसलिए अब यहीं रहना पड़ेगा। ये सुन सिमरन के होश उड़ जाते हैं, सिमरन सोच में पड़ जाती है। नीरज मैं तुमसे कल मिलती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो मैं घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से वो नीरज के कॉल पिक करना बंद कर देती है। कुछ दिन ऐसा ही चलने के बाद वो नीरज को ब्लॉक कर देती है। एक दिन परेशान होकर नीरज सिमरन की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाता है और सिमरन का वेट करता है। सिमरन वहाँ रोहन के साथ आती है। तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो यहाँ क्या लेने आए हो? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। शादी? वो भी तुमसे? तुमसे जरा दोस्ती क्या कर ली, तुम तो शादी तक पहुँच गए। और वैसे भी मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये सुन नीरज वहाँ से चला जाता है। अब सिमरन को रोहन से प्यार हो गया था। रोहन सिमरन को महंगे महंगे गिफ्ट लाकर दिया करता था। एक दिन उसकी बिल्डिंग के पास एक ब्रांडेड कार आकर रुकती है और उसमें से एक स्मार्ट सा लड़का देव निकलता है, जो सिमरन की ही बिल्डिंग में रहता था। वो उसे अपने रूम की विंडो से देखती है। सिमरन उससे बात करने उसके रूम में जाती है। हाय आई एम सिमरन, मैं आपके ही फ्लोर पर रहती हूँ। हाय आई एम देव, मैं भी यहाँ न्यू आया हूँ। हो तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो जस्ट कॉल मी। सिमरन देव को अपना नंबर देकर अपने रूम में आ जाती है और सिमरन को देव से प्यार जैसा फील होने लगता है। लेट नाइट देव सिमरन को कॉल करता है। सिमरन मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कंपनी दे सकती हो? यस मैं अभी आई।
सिमरन देव के रूम में चली जाती है। दोनों कॉफी पीते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। जितना सिमरन देव से बात करती है वो सिमरन को और प्यारा लगता। ओह, क्या मैं आपको ऑफिस छोड़ने चलूं? देव की बातों में सिमरन इतना खो जाती है कि उसको टाइम का पता ही नहीं लगता। काफी लेट हो गया है, कल ऑफिस जाना है तो मैं सोने जा रही हूँ। ओह, क्या मैं आपको ऑफिस छोड़ने चलूं? ओके। ऐसा कहकर सिमरन अपने रूम में चली जाती है। सिमरन बहुत खुश होती है। अगले दिन देव सिमरन को ऑफिस छोड़ने जाता है। ये सब रोहन देख लेता है। वो कौन था? मेरी बिल्डिंग में नया आया है। तो तुम ऐसे किसी के साथ भी आ जाओगी? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मेरा जो मन करेगा वो करूँगी। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है और अब सिमरन रोहन को भी छोड़ देती है। अब सिमरन देव के प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी। एक दिन देव अपने घर पर सिमरन को कैंडल लाइट डिनर पर बुलाता है। आज डिनर का प्लान क्यों? सिमरन, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मुझसे शादी करोगी? यस देव। टेबल के चारों तरफ कैंडल थी और पूरे घर में अंधेरा। अच्छा, वैसे तुम अभी तक सिंगल कैसे हो? मुझे अभी तक कोई पसंद ही नहीं आया, सब बस मेरी खूबसूरती पर फिदा होते हैं। मेरा दिल कोई नहीं देखता, इसीलिए मैं किसी को भाव ही नहीं देती। मेरी लाइफ में ऐसे दो लोग थे जो मेरी खूबसूरती के पीछे पागल थे, एक नीरज और दूसरा रोहन। इतना कहते ही घर की सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वहीं पीछे नीरज और रोहन खड़े होते हैं। ये देखकर सिमरन चौंक जाती है। नीरज मेरा दोस्त है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी सच्चाई इन दोनों के सामने लाने को आया था। तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसे से प्यार करती है, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। सिमरन अपनी गलती मानती है और वहाँ से चली जाती है।